हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ मोलल इलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, या एक और इसका नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? तो आज इसके पढ़ेंगे जिससे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, केबी से। किससे? केबी से। तो चलिए देखिए, आपको ये फार्मूला हम इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल केबी इंटू डब्ल्यू बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में। पढ़े हो ना आप लोग? बताओ। यस, आप कोर्स पढ़े हैं। तो चलिए देखिए, इसी पर इसका डिफिनेशन है। W बाई एम इंटू डब्ल्यू, यानी ये जो है W बाई एम इंटू कैपिटल W को बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं M से। सो हम इसको प्लेस पर हमें भी लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल KB इंटू स्मॉल M। अब यही डिफिनेशन है। M मतलब मोलालिटी, मोलालिटी मतलब द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल अवेलेबल हो प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? मोलालिटी बोलेंगे। क्लियर? तो उसी पर ये डिफिनेशन है। जब जब सॉल्यूट का, जब सॉल्यूट एक मोल ले ले, यानी सॉल्यूट हम कितना ले लें? एक मोल ले लें, ठीक है, और सॉल्वेंट जो ले लें वन किलोग्राम ले लें, वन किलोग्राम ले लें। तो जब एक किलोग्राम सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन होता है, जो बॉइलिंग इलिवेशन होता है, उसी को हम बोलेंगे केबी बोलेंगे। कैसे? क्योंकि जब ये वैल्यू सब एक एक रखेंगे तो पूरा वैल्यू वन आ जाएगा, और उस केसेज में आपका आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल क्या हो जाएगा? केबी। डेल्टा टीबी इक्वल केबी, समझ गए? डेल्टा टीबी इक्वल केबी हो गया। तो इसका डिफिनेशन यही है। व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द टोटल इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग इज कॉल्ड मोलल इलिवेशन बॉइलिंग कॉन्स्टेंट। समझ गए? या ऐसा एक मोलल सॉल्यूशन में जो भी इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग होगा, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलल इलिवेशन बॉइलिंग कॉन्स्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्लियर? अब इसे केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेल्टा टीबी। इसको और भी अगर चाहे लिखना तो केबी को लिख सकते हैं टी माइनस टीबी। अब यहां इसका मतलब क्या? टी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लीजिए हमारे पास यह सॉल्वेंट था, ये वन किलोग्राम ले लिया। चलिए अब इसमें एक मोल सॉल्यूट मिलाया नॉन वोलेटाइल, मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेपरेट होगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पता है, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो टी माइनस टीबी, तो वही आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसी को बोलते हैं केबी बोलते हैं। अब तो समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखें, अब केबी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। केबी कैन आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज करके कर सकते हैं। जैसे जनरली केबी इक्वल होता है एक फॉर्मूला आर इंटू टीबी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां देखें, केबी इक्वल आर इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। यहां पर R जो है गैस कांस्टेंट है, TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और LV जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी LV जो है लैटेंट, या मैं लिख दे रहा हूं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखेंगे पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक ग्राम सॉल्वेंट को वेपर में बदलने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, जो भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, और यहां पर आप सब समझ गए। अब देखिए, चूंकि एलवी इक्वल एक और फॉर्मूला होता है, एलवी इक्वल होता है आपका डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, यानी टोटल एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन अपॉन आपका इसमें हो जाएगा कैपिटल एम। एम का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं एलवी की जगह रखूंगा इक्वेशन वन में। देखें तो इक्वेशन वन में आप पुट करेंगे वैल्यू, तो आपका आ जाएगा आंसर केबी इक्वल आर इंटू टीबी स्क्वायर, एम ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, और इस पे कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसका मतलब देखें, यहां सबका मीनिंग समझ लें क्या क्या है। चलिए, डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब लैटेंट हीट
लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, याद रखेंगे यहां पर मोल में है वहां ग्राम में है, दोनों डिफरेंस है। आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो हम यूज करते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यह वैल्यू यूज करेंगे। और यहां पर टीवी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये भी याद रखेंगे। कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किसका है, सॉल्वेंट का, याद रखें मोलर मास सॉल्वेंट। और के भी आप समझ रहे हैं मोलर इलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको हम बताया मोलर इलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट होता क्या है। तो जब एक मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो जो भी उसके बॉइलिंग में इलिवेशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो डेट इज कॉल्ड मोलर इलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, दिस कैन बी कैलकुलेटेड, के बी कैलकुलेटेड इक्वल आर इंटू टीवी स्क्वायर अपन 1000 इंटू एलवी, यह फार्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, नोट डाउन, इसे नोट कर लें आप लोग पहले। ओके नाउ अब देखिए आप लोग, अब इसके बाद से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद से और भी न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। तो पहले पहला क्वेश्चन समझे, यहां ध्यान दे क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द मोलर इलिवेशन कांस्टेंट यानी के भी पूछ रहा है ऑफ वाटर इट बीइंग गिवेन दैट 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस बॉइल्ड एट 100.052 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया, तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिखा है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, कौन फॉर्मूला यूज किया जाएगा, देखिए डेल्टा टीबी इक्वल के बी इंटू यम, यह फॉर्मूला है। यम दे दिया क्योंकि यम का मतलब मोलालिटी या मोलल 0.1, चलिए दे दिया आपका। केवी क्वेश्चन में पूछ रहा है, केवी निकालना है, और डेल्टा टीबी नहीं दिया, डेल्टा टीबी इक्वल होता है टी माइनस टीबी, टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना दिया बॉइलिंग पॉइंट 100.052 माइनस टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर इज ए सॉल्वेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नियरली 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 0.052 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये आपका डेल्टा टीबी यानी यही आपका इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, केवी पूछ रहा है, तो केवी इक्वल डेल्टा टीबी अपान यम, डेल्टा टीबी वैल्यू गिवेन 0.052 अपान यम वैल्यू गिवेन 0.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। तो दिस इज योर आंसर ऑफ केवी फॉर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में केवी का वैल्यू है। समझ आया आप लोग को, क्लियर? ओके, तो इसे नोट कर लें या शॉर्ट डिस्क ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको अपलोड कर रहा हूं वीडियो आपको।